इस वक्त हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। उनसे हम जेपी नड्डा के कल के दिए बयान पर रिएक्शन लेना चाहेंगे। रामपुकार जी, जेपी नड्डा कल बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करने आए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है और बीजेपी 2025 में अपने दम पर सरकार बनाएगी। क्षेत्रीय दल का मतलब उन्होंने बताया था परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। इससे आप उनके बयान को कैसे ले रहे हैं? देखिए, जिस राजनीतिक दल में परिवारवाद छाया हुआ है वह राजनीतिक दल कभी सर्वाइव नहीं कर सकता है किसी भी राज्य में। उसके बाद में जहां भ्रष्टाचार की जिस राजनीतिक दल पर सीमा माने लगी हुई है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, वो भ्रष्टाचारी दल पर जनता के विश्वास बिल्कुल टूट गया है। तो जेपी नड्डा जी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस राजनीतिक दल पर और उसके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है, सजबता है, तो ये तो वाकई में संगीन मामला है। राजनीतिक में कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार और परिवारवाद राजनीति का एक कोर माना जाता है। इसको हम यूं शब्दों में कहें कि राजनीति राजनीति में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर चलने वाले मौलिक अधिकारों से जो राजनीति होती है वह राजनीति किसी भी राज्य और देश में आगे बढ़ता है। तो मैं इन बातों से बिल्कुल आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, राजनीति में परिवारवाद को समाप्त करना है, राजनीति में जो क्या कहते हैं आरोप लगते रहते हैं उस राजनेताओं पर भ्रष्टाचारी का, वैसे लोगों को भी राजनीति से दरकिनार करना चाहिए, तभी हमारा समाज परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को समाप्त करना है कि क्षेत्रीय दल को समाप्त करना है? नहीं, क्षेत्रीय दल का अब मैं बतला रहा हूँ, कोई बड़ी पार्टी भी हो और वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा हो तो वो पार्टी के उस पर तो किसी भी राज्य का, किसी और देश का, जनता का उस पर विश्वास नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए। आम आदमी पार्टी में लगभग 4-5 लोग जेल के सलाखों में चले गए। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी संजय सिंह के यहाँ भी छापामारी हुई, गिरफ्त हुए। इसके अलावा मैं ममता बनर्जी की पार्टी को मैं देख रहा हूँ, ममता बनर्जी की भी पार्टी को देखिए आप, वहाँ के लोग भी जेल चले गए हैं। इसलिए मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जो पार्टी पर, जो जो राजनीतिक दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप है, परिवारवाद का आरोप है, वैसे लोगों को तो भाई दरकिनार कर ही देना चाहिए राजनीति। नहीं नहीं, रामपुकार जी मुझे ये बताइए कि आरएलजेडी राष्ट्रीय पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी है? देखिए, हमारी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और हमारी पार्टी अभी पूरी मुस्तैदी से इन तमाम जो आरोप है उससे अलग इतर एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि भाई हमको लोकतांत्रिक मूल्यों पर नया समाज का निर्माण करना है, नई पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक को ऊंची जगहों पर स्थान मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री जी ने चारों सदनों को प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी पार्टी क्षेत्रीय दल है ना, ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल, अभी हमारी पार्टी क्षेत्रीय दल है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल सुन लिया जाए रामपुकार जी। जी, जेपी नड्डा का बयान अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल की परिभाषा भी बताई उन्होंने, और उसके बाद ये भी कहा कि क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है। एक कल कहां बोले क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है? मैं आपको वो बयान सुना दूंगा और मैं चाहूंगा अपने एडिटर से कि इसी फोनों में वो बयान भी सुना दे। आपको बयान सुना देता हूँ, क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है और क्षेत्रीय दलों की परिभाषा उन्होंने गठित की है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ये इसी पर तो आपका रिएक्शन लेना है कि क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है, मतलब कि आप सहयोगी हैं बिहार में, आपके आप ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी भी फिलहाल क्षेत्रीय दल ही है, पशुपति पारस की पार्टी भी क्षेत्रीय दल है, हम सेकुलर भी क्षेत्रीय दल है। बिल्कुल, तो क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को समाप्त करना चाह रही है क्या? इसी पर हमारा डिबेट है आपसे, इसी पर मैं पूछ रहा हूँ। इसी मुद्दा को तो मैं बतला रहा हूँ। जिस क्षेत्रीय दल में परिवारवाद होगा, जिस क्षेत्रीय दल में
क्या भ्रष्टाचार होगा, जिस क्षेत्रीय दल में घोटाला का आरोप होगा वैसे लोग दरकिनार होंगे, जो क्षेत्रीय दल लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला होगा वो तो आगे बढ़ेगा। जी आप फिर से बयान सुन लीजिएगा, मुझे लगता है बयान सुन लीजिएगा। क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बाद बनती है ये पारिवारिक पार्टी, और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी प्रश्न नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्न देगा, इसलिए परिवारवाद का समाप्त होना निश्चित है। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है, और क्षेत्रीय दल का मतलब यही होता है जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ठीक है, आप परिवारवाद नहीं है तो आपका मतलब भ्रष्टाचार में आप लिप्त है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये उनका कहना था। हाँ तो मैं यही ना आपको भी बता देना चाहता हूँ, आशुतोष जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दल में, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या बड़ा दल हो, इस दल में परिवारवाद होगा, जिस दल में क्या भ्रष्टाचार का आरोप होगा, जिस दल में घोटाला का आरोप होगा, जिस दल के राजनेताओं पर सजगता होगा, वो व्यक्ति की पार्टी समाप्त होगी। जेपी नड्डा जी का कहने का तात्पर्य ये है, जेपी नड्डा जी का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो उनके गठबंधन में जो सहयोगी दल है क्या करें वो समाप्त होगा, ये कहने का नहीं उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो उनके गठबंधन में सहयोगी दल है क्षेत्रीय दल वो समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनके गठबंधन में 38 दल है, उसमें से सिर्फ बीजेपी और एनपीपी ही है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी 36 दल जो है वो क्षेत्रीय दल है। यही तो सवाल है कि 36 दल क्षेत्रीय उनके साथ जुड़े हुए हैं, और आप उन्हीं क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाह रहे हैं, मतलब आप अपने सहयोगियों को समाप्त करना चाह रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि इन 36 क्षेत्रीय दलों में जो हम लोग एनडीए के गठबंधन के घटक दल हैं, क्या इनमें किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है क्या, या इनमें किसी के ऊपर क्या परिवारवाद का आरोप है क्या, क्या बात कर रहे हैं राम पुकार जी। जो शरद पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार जी, जिस दिन शामिल हुए थे उससे कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर बोल रहे थे कि उन पर क्या क्या आरोप है, वो भी आपकी पार्टी में है, परिवारवाद आपकी पार्टी में नहीं है क्या? अगर ऐसे कहते हैं, अगर आप यही कहते हैं तो क्या रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनको भी परिवारवाद बोलिए। लेकिन पशुपति पारस भी रामविलास पासवान के भाई साहब है कि नहीं है, लेकिन एक एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी नहीं, उन्होंने कहा जरूर था, उन्होंने एग्जांपल जरूर दिया था लालू प्रसाद यादव का जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, ये इस तरह नहीं ना है। आप जरा देखिए ना, तो आप जरा देख लीजिए भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी की पार्टी की तरह नहीं ना कि उनके 4-5 लोग पूरा जेल के सलाखों में चले गए। मुझे आपके बयानों से ये सुनकर समझना लग रहा है कि आप लोग सरेंडर की मुद्रा है बीजेपी के सामने में, आप लोग कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में, क्योंकि उन्होंने साफ लहजों में कहा क्षेत्रीय दलों की समाप्ति निश्चित है और क्षेत्रीय दलों की परिभाषा यही है। आशुतोष जी मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि हर राज्यों में जो लोकतांत्रिक मूल पर चलने वाली राजनीतिक दल है उसमें एक राष्ट्रीय लोक जनता दल भी है, और हम लोग तो आप इस बयान का विरोध जताइए, ये कहिए कि उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था, परहेज करना चाहिए था, ये बोलिए ना आप, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो किस लहजे में कहा परिवार, उन्होंने परिवारवाद, उन्होंने लालू परिवार पर बोला कि क्षेत्रीय दल का मतलब ये होता है, उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बोला, उन्होंने शिरोमणी अकाली दल के बारे में बोला, लेकिन सवाल ये है कि क्षेत्रीय दल तो आप लोग भी है ना, आप एनडीए में भी क्षेत्रीय दल है ना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप और घोटालेबाज होगा तब ना उसका हमको आंच आएगी। अगर हम निष्पक्ष हैं तो हम, अगर स्वच्छ हैं, अगर हम ईमानदार हैं तो मुझे कहीं कोई डर भय नहीं है, और जो घोटालेबाज है उनको डर है। चलिए राम पुकार जी, इस पे हम आपको शाबाशी देंगे, चूंकि कई दल ऐसे भी हैं जो इस पर रिएक्शन देना नहीं चाह रहे हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं यानी बीजेपी के सहयोगी दल है, लेकिन आपने हिम्मत की, जोखिम उठाया, कम से कम कुछ बोला, तो यही बड़ी बात है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।